Hello dear students, welcome to DA Mohil Public School Kita Sangi. I am Vinod Mathpati, your art teacher. बच्चों आज हम स्टेप बाय स्टेप का पेज नंबर 21 का ड्राइंग बनाएंगे जिसमें हमें एनिमल स्टडी करना है। बच्चों इसमें एक एलिफेंट बना हुआ है और एक रैबिट बना हुआ है। तो एलिफेंट को बनाने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप में मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके फेस के लिए एक ओवल ड्रॉ कर लेता हूँ। बच्चों इस ओवल के ऊपर से एलिफेंट की सूंड को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इसके कान जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो इसके कान भी बना लेते हैं। उसके बाद इसके दांत बना लिए हमने। इस तरीके से फिर के हाथों से हमें ड्रॉ करना है। बच्चों जब ये हम ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करते समय पेंसिल से हल्के हाथों से हमें ड्रॉ करना है, इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं देना है। इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम जो एलिफेंट के पैर है पैर ड्रॉ करेंगे और इसकी आंखें ड्रॉ करेंगे। एलिफेंट की जो पूंछ होती है वो छोटी होती है, इस तरीके से हम इसकी पूंछ को भी ड्रॉ कर लेंगे और इसके पैरों के नाखून को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके साथ बच्चों एक रैबिट भी बनाना है। रैबिट की ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले ओवल बनाएंगे जो होगा इसका पीठ, और इसका फेस के लिए हमें सर्कल ड्रॉ करना है। रैबिट के कान जो होते हैं ये लंबे होते हैं, इसलिए हम रैबिट के कान ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसके पैर भी ड्रॉ कर लेंगे। हल्के हाथों से हमने रफली ड्रॉ कर लिए। इसके बाद इसे हमें फेयर ड्रॉ करना है। फेयर ड्रॉ करते समय ओवल को और सर्कल को जोड़ देना है। इस तरीके से हम इसका फेस बनाएंगे। उसके बाद इसके पैर और आंखें बनाएंगे। उसके बाद इसके कान जो है कान ये लंबे और बड़े होते हैं, इस तरीके से हम इसके कान बनाएंगे। बच्चों ये ड्राइंग बनने के बाद हम ब्लैक जेल पेन या मार्कर पेन से हम इसे आउटलाइन करेंगे। इस तरीके से हम पूरी ड्राइंग को आउटलाइन करेंगे और उसके बाद हम जो भी पेंसिल का ड्रॉ किया था हमने वो इरेजर से इरेज कर लेंगे। इस तरीके से हम ड्राइंग को इरेज करेंगे। अब ये ड्राइंग हमारा बन गया है, इसके अंदर अभी हमें कलर फिलअप करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम रैबिट को कलर करेंगे। रैबिट को कलर करने के लिए हम सबसे पहले व्हाइट कलर का यूज करेंगे। रैबिट जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, तो हम रैबिट को व्हाइट कलर फिलअप कर रहे हैं। इस तरीके से हमने पूरा व्हाइट कलर फिलअप कर लिया है। उसके बाद बच्चों ऑरेंज कलर से हम हल्का हल्का पूरे बॉडी पे रैबिट के ऑरेंज कलर फिलअप करेंगे। एकदम हल्के हाथों से करना है और उसके बाद इसको मिला देना है। तो ये इस तरीके से दिखेगा, वाइट भी दिखेगा और हल्का सा ऑरेंज शेड भी दिखेगा। उसके बाद हमें एलिफेंट को कलर करना है। तो एलिफेंट को कलर करने के लिए मैंने ऑरेंज कलर लिया है। हल्का हल्का ऑरेंज कलर पहले फिलअप कर रहा हूँ। ध्यान में रखना है कि आउटलाइन के बाहर कलर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से मैंने ऑरेंज कलर फिलअप किया है। उसके बाद ब्राउन कलर लिया है। ब्राउन कलर हल्का हल्का ऑरेंज के ऊपर फिलअप कर रहा हूँ। इस तरीके से हम कलर करेंगे और उसके बाद इसे उंगली के माध्यम से इसे मिक्स कर देंगे। ये बन गया हमारा एलिफेंट। उसके बाद इसके नाखून को व्हाइट रखना है, इसकी पूंछ में ब्लैक कलर करेंगे। इसके बाद इसके नीचे में ग्रास बनी हुई है, इसलिए हम ग्रास के लिए लाइट ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं। ये लाइट ग्रीन कलर फिलअप किया है और उसके बाद डार्क ग्रीन कलर का यूज करेंगे। ऊपर के साइड में डार्क ग्रीन कलर फिलअप किया है और जो शेडो होती है उसके लिए भी डार्क ग्रीन यूज कर रहा हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस
तरीके से ये हमारा ग्रास बन गया है। उसके बाद जो पहाड़ी बनी हुई है, इस पहाड़ी को हम कलर करने के लिए येलो कलर का यूज कर रहे हैं। एक साइड से मैंने येलो कलर फिलअप कर लिया है, उसके बाद ऑरेंज कलर फिलअप कर रहा हूँ। इस तरीके से हम ऑरेंज कलर फिलअप करेंगे और बचा हुआ जो पार्ट है उसे हम ब्राउन कलर से फिलअप करेंगे। इस तरीके से हम ब्राउन कलर को फिलअप करेंगे और उसके बाद इसे उंगली से मिक्स कर देना है ताकि कहीं पे भी हमारा वाइट कलर ना दिखे और सभी कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। उंगली से हम इसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद स्काई के लिए मैं स्काई ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। स्काई ब्लू कलर यूज करेंगे इस तरीके से स्काई को कलर करने के बाद। उसके बाद हम डार्क ब्लू कलर लेंगे और डार्क ब्लू से शेडिंग देंगे ऊपर के साइड में और इसे मिक्स कर देंगे। बच्चों इस तरीके से हमें ड्राइंग को शेड करना है। आप अपने ड्राइंग बुक में इस तरीके से ड्राइंग बनाएंगे। अगर आपके पास ड्राइंग बुक नहीं है तो प्लेन बुक में भी आप इसे बना सकते हो। देखिए हमारा ड्राइंग रेडी हो गया। थैंक यू।